हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और सभी परिंदे भी अच्छे होंगे। तो फैमिली, कल हमने आप लोग के साथ वीडियो में एक पिजन के बारे में शेयर किया था, और पिजन जो कि बहुत ज़्यादा बीमार, और हमने आप लोगों को उसकी कंडीशन भी दिखाई। गाइज, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुख भी है, क्योंकि वो अभी कुछ ही टाइम पहले हमारे सेटअप पर आई, लेकिन फीमेल है वैसे, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो कुछ ही टाइम पहले हमारे सेटअप पर आई है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि उसको ऐसा कुछ हो जाएगा। बाकी मैंने अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से सलाह ली उसके बारे में कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आपने काफ़ी अच्छी अच्छी कमेंट्स की, और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स ने बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट बताए कि इस तरह से आप उसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वो सूखे की बीमारी में आ गई है। क्योंकि इस बीमारी में वो दाना पानी तो ले रहे नहीं होते हैं, तो इसी तरह से ये बीमारी हो जाती है। बाकी और ट्रीटमेंट भी बताया इसके बारे में कि आप ये ट्रीटमेंट उस पर फॉलो करके देखो, और आशा है, उम्मीद है कि जल्दी ही वो कबूतरी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ मिनी जू में, और दिखाती हूँ कि हमारी जो वो फीमेल है, फीमेल पिजन है, वो किस तरह से है और कैसी उसकी कंडीशन है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए मेरे साथ मिनी जू में। गाइज, ये देखिए, यही वो फीमेल है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही थी। और अब जो ये फीमेल है, इसकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी एक दो दिन से ये बहुत ज़्यादा सुस्त बैठी हुई थी, कहीं भी मतलब बैठ जा रही थी ऐसे ही, बहुत बहुत टाइम तक एक ही जगह बैठे रहना, दाना वगैरह बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, पानी भी यहाँ तक ये लगा लीजिए इसको खुद से हमें हाथ से उठाकर पिलाना पड़ रहा था। लेकिन अभी जब से आप लोगों का जो आप लोगों ने जो ट्रीटमेंट बताया वो हमने फॉलो किया है, तो इसकी हालत में काफ़ी सुधार है। और अब आप लोग देख रहे होंगे, पहले से कुछ एक्टिव भी दिखाई दे रही है और दाना वगैरह भी उठा रही है, और सच बताऊँ ना तो आज इसने पानी भी खुद से ही पिया है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इसकी कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और जैसे ही इस तरह से बैठ रही थी ना, कि कहीं भी जाकर सुस्त शांत बैठ रही थी, आज इसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है। और अगर ये अभी इस हद तक ठीक हो गई है, तो उम्मीद है कि आगे ये पूरी तरह से भी ठीक हो जाएगी, और वापस से जो हमारा टोनी है उसके पास पहले की तरह ही रहने लगेगी, और हमारा जो ये पेयर है बिल्कुल एकदम से खुशहाल रहेगा। तो वाकई गाइज, इसको ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ लगाया, आराम लगाया, और ये अब पहले से ज़्यादा एक्टिव आप देख सकते हैं। हम इसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं तो ये भाग जाती है, भाग जाती है, भाग जाती है। तो और लो, क्योंकि मेरे ऊपर बीट कर दिया तुम्हारे बर्डों ने। अच्छा, चिड़िया आया था जावा ना तुम्हारी, ये जावा है ना, अभी यहाँ बैठी होगी यहाँ पे, और यहाँ से मेरे ऊपर ये देख लो कोई भी यार, ये बेटी तो, और क्या है देखो ना, वो यहाँ बैठी थी इस वाले तार के ऊपर, यहाँ से उड़कर गई है अभी वो गई। और मैं बताऊँ कौन सी वाली, वही जो गई है ना सिल्वर वाली शादी, वही थी। हाँ, उसने आपको झूठा साबित कर दिया, बोल रही है मैं यहाँ पर थी नहीं। ऐसा हो सकता है, सही कह रही हो तुम, कोई बात नहीं यार, तुम नहीं भी थी तो भी ठीक है। तो भाई चलिए, आज हम ना आप लोगों को वो जो हमारे पास फीमेल है, उस फीमेल की जो का जो मेल है वो बैठी हुई ब्लैक वाली, उसका मेल दिखा देते हैं हम आपको। चलिए वो दिखा देते हैं मेल इसका। गाइस देखिए, ये है इसका मेल, वही बड़ा ही प्यारा है ये भी, और इसको हम बोलते हैं टोनी। तो कल की वीडियो में आप लोगों से जानना भूल गए थे, जैसे ये टोनी है, तो टोनी की जो फीमेल है बैठी हुई है वहाँ पर, तो उसकी फीमेल का क्या नाम रख देना चाहिए, जल्दी से बता दो भाई, बढ़िया। बार बार हमें फीमेल बोलना पड़ता है ना। हाँ, बढ़िया सा नाम बता दो आजकल तो, ताकि हमारी टोनी की जो फीमेल वो मिल जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से नाम टुकटुक रख दो इसका यार, क्या बोलती हो? हाँ, टुकटुक भी बैठा टोनी है। की टुकटुक कैसा रहेगा? फीमेल नेम ही है वैसे भी, है ना? हाँ, टुकटुक रख देते हैं, ठीक है, रखते हैं। गाइस, इसकी जो पहली वाली फीमेल थी ना, वो सिराजी थी, सिल्वर सिराजी, उसका नाम था मोनी, टोनी और मोनी, और इस बार रख देते हैं, एक काम करते हैं, उसका नाम टुकटुक रख देते हैं। अगर टुकटुक नाम आपको पसंद आता है तो आप बताइए, तो फिर हम इसको कंटिन्यू रहने देंगे, वरना फिर आप कमेंट में कोई अच्छा सा नाम सोच कर इसका, बढ़िया सा टोनी से जो मैच होता हुआ हो वो बता दीजिएगा, टोनी और टुकटुक, ठीक है। तो गाइस चलिए, आज मैं इसको नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वो है मेल, जो इसका मेल है। बाकी फाइनली एक बच्चा भी इनके पास बैठा हुआ है, बच्चे को लेकर हम लोग ये श्योर नहीं है, बच्चा जो है इनका ये या किसी और का, आज हम बच्चा निकाल देते हैं, भारी वाला दिखा देते हैं आपको, निकाल के ना। तो गाइस ये मैंने बच्चे को जो है बाहर निकाल कर रखा है, यहाँ रखते हैं यहाँ पर, ये देखिए गाइस, ये बच्चा है, और ये बच्चा पता नहीं श्योर नहीं है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे अंडे हमारे पास मिल गए थे आपस में, तो शायद किसी और कबूतर का बच्चा है जिन्होंने पाला है, इनका भी हो सकता है या किसी और का भी हो सकता है, ऊपर वाले पिजन है हमारे, पिजन हाउस पर उनका भी ये बच्चा हो सकता है।
या फिर जो भी है अभी तो बाकी, अगर इसकी पूंछ थोड़ी ऊपर जाएगी ना ऐसे, जब बड़ा होगा ऐसे बड़ी होगी ऊपर की तरफ, तो होगा ये फेंटल यानी कि इनका ये बच्चा, ठीक है। और पूंछ अगर नीचे रह जाती है तो फिर इनका बच्चा नहीं होगा। देखेंगे बाकी तो इसकी जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। बाकी ये बड़ा खूबसूरत निकल रहा है इसकी जो, देखिए आप देखेंगे इसका पूरा ग्रे जा रहा है, इसके जो सिर है ना वो बिल्कुल पूरा व्हाइट है, व्हाइट चांद इसको बोल देते हैं। मुझे तो लग रहा है ये इन्हीं का ही जाने वाला है, क्योंकि इन पे कैसे चला जाएगा यार, ये व्हाइट है ना, मुझे इस तरह से लग रहा है। देखो ब्लैक है, इसके पंजों पे पर है, पीछे से टेल भी लग रही है कि आगे को पूरी खिलेगी है। पंजों के पर से कुछ नहीं होने वाला, पर जो होगा इसकी पूंछ से होगा। ये पूंछ ऐसे उड़ जाती है ना ऊपर की तरफ, क्यों जैसे इसके माँ बाप होगी तो ऐसा होगा, वरना फिर ये नहीं होगा इनका बच्चा। चलो जी इसको रख देते हैं अंदर, पहुँचा देते हैं इसके पापा के पास। जाओ अपने डैडी के पास जाओ, वहाँ जाकर हंसो कूदो खेलो मौज करो इंजॉय करो, ठीक है गाइस। इसको भी बाकी इसकी अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टोनी के ऊपर है। टोनी गाइस अकेला ही पाल रहा है, क्योंकि फीमेल ने तकरीबन को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 10 दिन से ज्यादा उसकी फीमेल है टुकटुक, उसको उसने छोड़ दिया है बच्चे को दाना खिलाना भी। तो वैसे भी हमने उसको बाहर ही रख दिया, फिर चलो कोई बात नहीं तुम दाना नहीं खिला रही हो मत खिलाओ। तो टोनी जो है पूरी तरीके से इसको पाल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है ये बच्चा। बाकी बस हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्दी से पल जाए, और ये पलने के बाद होगी अपना खेले कूदे मजे ले, है ना। और क्या, सही बात है। और भाई हमारे गोल्डन हिंच भी आपको दिखा देते हैं हम कितने बड़े हो गए हैं बच्चे। अब तो बच्चों का फुल कलर आ गया भाई, फुल कलर जैसे बोलते हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ, उड़कर भाग गया। ये देखो ब्लैक हेड वाला निकला है, ये मुझे लग रहा है मेल जाएगा, कन्फर्म मेल जाएगा। देखो ब्लैक हेड वाला है ना, ये बच्चा निकला, ये बच्चा निकला है हमारे यहाँ पे, जो कि बड़ा हो गया। तकरीबन 6 महीने के बच्चे हो चुके हैं, और 6 महीने में लगभग ये अपना कलर ले आए हैं। प्रॉपर कलर तो नहीं लाए हैं, बट कलर ला रहे हैं, ठीक है। और जितने धीरे धीरे बड़े होंगे, अडल्ट होंगे, उतना अच्छा अच्छा कलर ये लाते रहेंगे जी, आप लोगों के लिए और हमारे लिए। और ये रही थी दूसरे, एक बच्चा उड़ गया, एक ये आगे बैठ, एक जगह रुकते नहीं है गाइस। सबसे बड़ी तो इशू ये है हमारे साथ, इनके साथ ही एक जगह रुकता नहीं। ये देखिए एक ये आ गया, अभी और है, अभी एक और, अभी एक बच्चा और है, दो ये बैठे हुए हैं अभी, इनमें इनका साथ ही एक और होगा। और गाइस ये लॉन्ग टेल फीमेल जो आकर बैठी थी बीच में, अभी ये देखिए वो चली गई, वहाँ बैठ गई है। इसके लिए भी मेल है, फीमेल नहीं है सॉरी, इसके लिए भी हमने ज़रूर एक ना एक दिन फीमेल ले आनी है बढ़िया सी। और डायमंड डब भी हमारे यार ऐसे हो रहे हैं आजकल, इनका दाना भी जो है, क्योंकि दाना मैं कल ले आया था यार, कुछ दाना मैंने कल डाल दिया था, इनका दाना ख़त्म हो गया। एक काम करो दाने की पिन्नी उठा लो, उसको पलट देते हैं, है ना। चलो मैं ले आती हूँ, ले आओ फटाफट से। और गाइस देखिए हमारे मोरिंगा पौधे का, हमारी बर्ड्स ने क्या हाल किया है, बताइए काम किसके हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ये किसके काम है। मुझे काम है ये, मैं बर्ड हूँ भाई, इसका बैठ के मैं खराब करूंगा तुम्हारे पौधे को। तुम कैसी बात करती हो यार, बिल्कुल आर्यन ये आप ही की बात है। कैसे वाला फैमिली आप ही के काम है ये आर्यन, अगर वो सॉरी गाइस अगर मैं आप लोगों से पूछूं ना ये किसके काम है, तो बर्ड्स के नहीं, आप लोग भी ये कहेंगे आर्यन के ही काम है। ऐसे कैसे हुआ भाई, कैसे वो ऐसे कि आपको किसने बोला था ये मोरिंगा ऊपर से नीचे लेकर आने के लिए, अच्छी खासी हाइट तो जा रही थी, आसमान को छूने ही वाला था कि तुमने सारा उड़वा दिया ये। अरे यार हद कर दी, बताओ यार, मतलब मुझसे खुद ने बोला, चाहा की कोई गलती नहीं, उनका तो भाई मन कर रहा था, वो तो खाएंगे, तुम्हें क्या ही जरूरत थी यहाँ लाने की, वहीं से कुछ पत्तियां लाकर इनको दे देना था, ऐसे थोड़ी ना होगी ऐसा कर। अरे यार ठीक है पत्तियां खा लेती, मगर पूरी डाली की डाली टहनी की टहनी की खत्म कर दी यार, बिल्कुल पौधा कहीं से कहीं तक उड़ा दिया ये, क्योंकि कुछ पत्ते आ रहे हैं शायद, ये देखो डालियां हैं पत्ते निकलने दो, फिर नहीं छोड़ने वाली, ऐसा करते हैं कल तभी सुजड़े चमन पर बाहर आएगी। इसको हटाकर मास शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है उधर की साइड में, ताकि ये पौधा। और आर्यन हम इसको ना फिर आगे से कभी मिनी जू में लाएंगे, हम ऐसा करेंगे कि नहीं लाएंगे, जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और मजबूत हो जाएगा तब लाएंगे, ऐसे ही करेंगे। तो ऐसा करते हैं फिर यार, इसको ऐसा करते हैं, ऐसा ही एक और पौधा लाकर इसमें लगा देंगे, दो लगा देंगे ऐसे, एक ये हो गया तो है हमारे पास, एक ये हो गया और एक है ना, दो लगा देंगे ऊपर है ऐसा, तो ऊपर से लाकर उसको लगा देंगे, मोरिंगा को ऊपर पहुँचा देंगे वापस, फिर से क्या फायदा है, नुकसान करते हैं, पत्तियाँ आएंगी। ये कैसा रहेगा आइडिया, बढ़िया है ना, बिल्कुल ठीक रहेगा। और पता है अब ना मैं तो ये करने नहीं वाली हूँ, तुम्हें करना है तो तुम करना, आगे से पत्तियाँ लाया करूँगी तब इनको दिया करूँगी, पौधा नहीं रखूँगी अभी, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, और आज का वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कर ही दिया करो। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।